नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस भाई नीरज सर में। और जैसा कि हम प्राविधिक कला के बारे में पढ़ रहे थे, तो आज हमारा टॉपिक है क्षेत्रफल यानी एरिया। तो एरिया में जो क्वेश्चन दिए जाते हैं उनसे संबंधित, मतलब जो क्वेश्चन है उन्हीं को हम सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास पिछले वर्ष का पेपर है, इसमें एक क्वेश्चन आया था सेक्शन सी में कि दीर्घवृत्त की रचना कीजिए और उस पर एक दीर्घवृत्त की रचना करना है और उस पर एक आपको स्पर्श रेखा खींचनी है। तो इस क्वेश्चन को आज हम समझेंगे कि कैसे ये करते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि दीर्घवृत्त क्या होता है। तो अभी तक हम जो देखे हैं वो वृत्त देखे हैं। वृत्त में क्या होता है कि एक सेंटर होता है, ठीक। अब दीर्घवृत्त क्या होता है, इसकी आकृति ये होती है, इसकी त्रिज्या जो होती है वो चारों तरफ बराबर होती है, चाहे इधर रहेंगे वो एक समान रहेगी। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो इसकी जो रेडियस होगी वो 5 सेंटीमीटर ही रहेगी। दीर्घवृत्त जो आपका होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। इसमें दो नाभियां होती हैं। अगर हम कह सकते हैं तो ये भी एक नाभिकीय भार व्यवहार करता है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर दो नाभियां होती है, या फोकस कर लीजिए, एक और दो, ठीक है। जैसे कैप्लर ने बताया कि हमारा पृथ्वी जो, मतलब जो ग्रह होते हैं वो दीर्घवृत्ताकार, उसमें चक्कर लगाते हैं और सूर्य किसी एक फोकस पर होता है। तो दो फोकस होते हैं, एक ये फोकस होता है, एक ये फोकस होता है, ठीक है। ये डिस्टेंस बराबर होता है, जो जितना यहाँ से यहाँ है या जितना यहाँ से यहाँ है, दोनों बराबर होते हैं डिस्टेंस, तो इन्हें फोकस कहते हैं। फोकस या नाभि, फोकस या नाभि कहते हैं, ठीक है। तो ये होता है, तो ये चूंकि दीर्घ मतलब बड़ा होता है, तो ये आपका बड़ा अक्ष है इसलिए इसे दीर्घ अक्ष कहते हैं। और ये आपका छोटा अक्ष होता है इसलिए इसे लघु अक्ष भी कहते हैं। यहाँ देख लेते हैं, इसे लघु अक्ष भी कहते हैं, ठीक है। यानी आपका जो ये बड़ा वाला अक्ष हुआ वो आपका दीर्घ अक्ष हो जाएगा और ये आपका लघु अक्ष हो जाएगा। नाम से स्पष्ट है, इसमें कुछ सोचने की वाली बात नहीं है। तो ये अंतर होता है वृत्त और दीर्घवृत्त। वृत्त में क्या होता है कि त्रिज्या बराबर होती है, लेकिन इसमें क्या होता है कि इस यहाँ अगर मान लीजिए जैसे हम ग्रहों के बारे में हम बात कर रहे थे, वहीं से देख लीजिए कि जो आप कैप्टन ने बताया कि जो ग्रह होते हैं वो दीर्घवृत्त पर चक्कर लगाते हैं, सूर्य किसी एक फोकस पर होता है। तो मान लीजिए ये सूर्य हो गया, तो जो ग्रह चक्कर लगाते हैं तो कभी इनके बीच की दूरियां घटेंगी। अगर यहाँ पहुंच गया ग्रह तब तो ये कम हो गई दूरी, और यहाँ है तो बढ़ गई। तो इस तरीके से इसमें मतलब एक रूपता नहीं रहती है। और यहाँ पर क्या होता है कि अगर यहाँ से चक्कर लगा रहा है तो यहाँ भी एक जो डिस्टेंस होगी वो यहाँ पर चक्कर लगाने पर यहाँ भी वही डिस्टेंस होगी, यानी जो डिस्टेंस रहती है वो बरकरार रहती है, जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है। आइए हम देखते हैं, हमारे पास प्रश्न था कि दीर्घवृत्त और उसके बाद हम स्पर्श रेखा को देख रहे हैं। आप दो टर्म थे, एक दीर्घ अक्ष एक लघु अक्ष। तो दीर्घ अक्ष जो सबसे बड़ी अक्ष होती है उसे दीर्घ अक्ष कहते हैं, जो छोटी अक्ष होती है वो लघु अक्ष, नाम से स्पष्ट है। उसके बाद हमें स्पर्श रेखा के बारे में जानना है कि स्पर्श रेखा क्या होती है, और फिर हम रचना को देखेंगे कैसे हम रचना करते हैं। तो मान लीजिए आपका ये दीर्घवृत्त है, ठीक है। ये कोई बिंदु है स्पर्श, मतलब जो स्पर्श करते हुए जा रही है, और एक रेखा ऐसे इस पर इस बिंदु को टच करते हुए निकल रही है। क्यों इस बिंदु को टच करेगी और किसी भी पॉइंट को टच नहीं करेगी, तो वो आपका क्या कहलाता है, स्पर्श रेखा। मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु पी है और एक रेखा ऐसे निकल गई है, तो ये आपका क्या कहलाएगी, स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट, ठीक है। तो हमें यही दिखाना है कि रचना करना है कि कैसे हम टेंजेंट खींचेंगे। तो सबसे और अभिलंब भी खींचना रहेगा। अभिलंब क्या होता है कि मान लीजिए इस बिंदु पर कोई नॉर्मल हो रही है, या इससे उस पॉइंट से 90 डिग्री का कोण बनाए, उस पॉइंट पर जो स्पर्श रेखा है उससे 90 अंश का कोण बनाए, वो आपका अभिलंब कहलाएगा। कभी कभी अभिलंब भी पूछ लेता है और स्पर्श रेखा भी पूछ लेता है, अभिलंब को नॉर्मल कहते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि
दीर्घ वृत्त कैसे बनाया जाएगा और उसके बाद हम उस पर स्पर्श रेखा भी देखेंगे। जैसे हमारे पास ये प्रीवियस ईयर का पेपर है, इसमें कहा गया है कि एक आयताकार वृत्त द्वारा एक दीर्घ वृत्त की रचना कीजिए जिसके दीर्घ तथा लघु अक्ष क्रमश 10 सेंटीमीटर एवं 6 सेंटीमीटर इसकी परिधि पर, परिधि एक टर्म आ जाइए परिधि। तो परिधि क्या होती है कि जो बाहरी माप होती है, ये जो बाहरी आकृति है आपकी, ये आपकी परिधि कहलाती है। जैसे मान लीजिए कोई तागा ले आप और उसे ये 10 सेंटीमीटर का तागा है और इसे आप राउंड कर दें, एक सर्किल के रूप में आकार दे दें, तो आपका क्या हो जाएगा परिधि, सर्कमफेरेंस होता है। तो ये परिधि भी एक टर्म है, इसे भी जान लीजिए। उसके बाद हम ये कह रहा है कि क्यू पर एक किसी बिंदु के ऊपर एक स्पर्श रेखा कीजिए। मान लीजिए ये कोई दीर्घ वृत्त दिया हुआ है, डाटा जो दिए हुए हैं वो हम रख देंगे अभी। उसके बाद कोई बिंदु है क्यू, यहाँ हमने पी माना था, क्यू माने तो क्यू पर एक स्पर्श रेखा खींचना है, ये हमें दिखाना है। तो आइए हम इसके बारे में चर्चा करते हैं कि कैसे हम बनाएंगे एक दीर्घ वृत्त। तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है एक दस दीर्घ अक्ष दिया हुआ है, दीर्घ अक्ष वो दिया है 10 सेंटीमीटर और लघु अक्ष जो दिया हुआ है वो है आपका 6 सेंटीमीटर। हमारे पास दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष, हम यहाँ पर एक थोड़ा सा फिगर बना ले रहे हैं। जो ये आपका दिया हुआ है वो 10 सेंटीमीटर और जो ये आपका दिया हुआ है वो 6 सेंटीमीटर। ये जो बाहर की आकृति है ये दीर्घ वृत्त की, वो नहीं है हमारे पास। तो सबसे पहले करते क्या है कि हम 10 सेंटीमीटर की लाइन खींच लीजिए, इसके बीचों बीच से हम 6 सेंटीमीटर की लाइन खींच लेंगे, इतना हमारे पास हो गया। क्वेश्चन में और कह रहा है कि एक आयताकार वृत्त द्वारा, तो आयताकार वृत्त क्या होता है कि सीधे सीधे ये समझ लीजिए कि ये आयत में बना आपका दीर्घ वृत्त रहेगा, ठीक। तो एक क्वेश्चन से हम सारी चीजें क्लियर कर रहे हैं। तो हम ये आपका 10 सेंटीमीटर है और ये आपका 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। करते क्या है कि इसके समांतर ऊपर एक खींच लीजिए लाइन, ठीक है, दूसरे कल से देख लें और इसके समांतर हम एक लाइन ऐसे खींच लिए, ठीक। थोड़ा बहुत डिफरेंस पड़ जाएगा क्योंकि बिना स्केल का बना रहे हैं, और इस लाइन के समांतर इधर खींच लेंगे, इस लाइन के समांतर इधर खींच लेंगे, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया रेक्टेंगुलर। अब इसके अंदर हमें दीर्घवृत्त की रचना करनी है, तो करते क्या है कि सबसे पहले हम इसके 3 खंड कोई कितने भी संभाग में बांट लें, तो जनरली हम 3 संभाग में बांट दे रहे हैं। ये देखिए ये एकदम बीच में नहीं आ रहा है, तो इसे हम सही करेंगे, लेकिन जब आप बनाएंगे इसके तो वहाँ आपका सही रहेगा। बीचों बीच से ऐसे हम निकाल दे रहे हैं। करते क्या है कि इसे हम 3 संभाग 4 संभाग में मार लेते हैं, जितना आपका मन हो, 2 3 4 1 2 3 कर दिया ना, तो कितने भागों में बढ़ गया, 1 2 3 1 2 3 4 भागों में बढ़ गया। ऐसे ही आप इसके भी कर दीजिए, 2 3 4 इसके हो गए, इसके भी कर दीजिए 1 2 3 यहाँ करिए 1 2 3 3 कर दीजिए 4 हो गए, ऐसे इसके भी कर दीजिए 1 2 3 4, ठीक है। इस तरीके से हम कर लेंगे, इसके भी हम जितने भाग इधर करेंगे उस इतने भाग ही हम सब भाग इधर कर देंगे 1 2 3 4। करते क्या है कि इसे ऐसे मिला देंगे, नाम दे दीजिए ए बी सी डी E, F, G, ठीक। इसे भी ऐसे हम मिला देंगे, इसे भी हम ऐसे मिला देंगे, ठीक है। इधर इसे ऐसे मिला देंगे, इस तरीके से हम मिला देंगे। करते क्या है,
जो डिवाइड किए हैं तो उसे हम स्मॉल ए नाम दे दें, स्मॉल बी, स्मॉल सी, ठीक है। इसे ए वन बी वन सी वन, दो खंड हम देख रहे हैं, तीसरा खंड और चौथा खंड आप कर लीजिए, ऐसे भी हो जाएगा, जिस तरीके से ये होगा उसी तरीके से तीसरा और चौथा खंड भी आप कर लीजिएगा। अब क्या करेंगे कि यहां से इसे हम बढ़ा देंगे, ठीक है। इसे भी ए वन बी, ए डबल वन बी डबल डैश सी डबल डैश कर दिए, ठीक है। यहां पर मिला दिए तो ए ए से मिल गया, ठीक है, ए लिख दीजिए। बी वाला बी से जाकर मिलेगा तो बी यहां पर लिख दीजिए, और सी वाला सी से जाकर मिलेगा तो सी लिख दीजिए। यानी हमारे पास तीन पॉइंट आ गए हैं, कौन कौन, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, ठीक है। अब करेंगे क्या कि इसे ऐसे वक्राकार स्थिति में ऐसे ले जाएंगे, ऐसे बना देंगे, ठीक। उसके बाद यही काम इधर से भी करेंगे, ये वाला यहां पर, ये वाला यहां पर, ये वाला यहां पर, इसके भी हमारे पास तीन पॉइंट हो गए हैं। इसे भी ऐसे ले जाकर वक्राकार बना देंगे। जब आप स्केल और पेंसिल से बनाएंगे तो कॉपी पर तो आपका सही हो जाएगा। इसी तरीके से इसके भी हम यहां पर मिला दिए, यहां मिला दिए, यहां मिला दिए, इस तरीके से करेंगे, यहां मिला दिए, यहां मिला दिए और यहां मिला दिए, ठीक है। ये हो जाएगा एक दो तीन चार खंड ये हो गए। अब जिस तरीके से हम इधर किए थे उसी तरीके से इधर भी किया जाएगा, जब तब आपका बनकर इस तरीके से आपका तैयार हो जाएगा। डेढ़ बजे तक आपका बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप दिन जब आप काम को बनाएंगे स्केल से तो आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर रफली बन रहा है। महत्वपूर्ण है प्रोसेस जानना, अगर एक बार आपको प्रोसेस समझ में आ गया तो बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो ये आपका दीर्घवृत्त बन जाएगा। अब दूसरी समस्या ये कह रहा है कि जो ये दीर्घवृत्त है उस पर हमें किसी दिए हुए बिंदु से हमें स्पर्श रेखा खींचना है। तो चलिए ये दीर्घवृत्त आपका बन गया है। आपका प्रोसेस यही है, सीधे सीधे समझ लीजिए कि सबसे पहले जो अक्ष दिए हुए उन्हें परस्पर समकोण पर इस तरीके से करना है कि एक अक्ष खींच लीजिए, उसके बीचों बीच से दूसरा, अगर पहला दीर्घ अक्ष खींचे तो दूसरा लघु अक्ष खींच लीजिए, लेकिन उसके बीचों बीच से और 90 डिग्री के कोण पर। पहली चीज हो गई, ये हमने खींचा, फिर ये हमने खींच दिया। उसके बाद क्या करेंगे कि इस रेखा यानी इस अक्ष के समान तो ऊपर यहां से यहां तक खींच देंगे, नीचे यहां से यहां तक खींच देंगे, इसी के समांतर, और इसके समांतर इधर ये दोनों सिरे खींच देंगे और इधर सिरे खींच देंगे। तो ये क्या हो जाएगा कि एक आयताकार बॉक्स बन जाएगा। अब आयताकार बॉक्स में करते क्या है कि किसी एक खंड में लेंगे और उसके तीन हिस्से कर देंगे, तीन या चार जितने भी हमें सही पड़े उतना कर देंगे, और उसको उस खंड के जो सबसे ऊपरी बिंदु पर है, ये जैसे यहाँ से हमने ए बी सी तीन खंड में बांटा और ई से मिला दिया तीनों को, ठीक है। पहले तीनों को ई से मिला दिए, उसके बाद क्या करेंगे कि नीचे वाले खंड को भी इसी तरीके से तीन भागों में बांटेंगे, उसे भी यहाँ पर मिला दिए। अब क्या करेंगे कि जो ये रेखा है उसके जितने इधर संभाग के हैं उसके उतने ही संभाग इधर भी करेंगे, और प्रत्येक यहाँ कट कर रहा है इस अक्ष को उसे यहाँ से मिलाकर और थोड़ा आगे बढ़ा देंगे कि जो लाइन यहाँ से यहाँ तक गई है उसे कहाँ पर काट रही है, और उससे हमें तीन बिंदु मिल गया, तीन पर्याप्त बिंदु है, और वक्राकार कर बना दे, वक्राकार रेखा खींच देंगे इसे लेकर ए तक। इसे मान लीजिए यहाँ पर हमने नाम देना भूल गए, इसे मान लीजिए यम, एम से ई तक खींच देंगे, और इसे यन मान लीजिए, यन से ई तक खींच देंगे। इस तरीके से आपका ये जो दीर्घवृत्त है एलिप्स वो आपका तैयार हो गया। अब इसका हम स्पर्श रेखा में खींचना है इसका, तो हमारे पास दीर्घवृत्त ये तैयार हो गया है। ये आपका दीर्घवृत्त हो गया और ये आपका
दीर्घ अक्ष है और ये लघु अक्ष है, ठीक है, ये आपका दीर्घ अक्ष है, ये आपका लघु अक्ष है। अब इस पर हमें स्पर्श रेखा खींचना है, तो हमें पता है कि इसके दो फोकस होंगे, तो उन फोकस को ज्ञात कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम यहां मान लीजिए कोई बिंदु P है, ठीक है, ये Q, ये M, ये N, तो करेंगे क्या, ये O कि हम यहां पर रखकर पता और उसमें इतनी चाप लेकर क्या करेंगे, यहां से हम दो खींच दिए, ये चाप लेकर ये चाप आपका कितना है, ये लंबाई कितनी है, तो ये O और M के बराबर है। मान लीजिए M डैश है ये और N डैश है ये, तो PM बराबर जो हो जाएगा, PM डैश बराबर हो जाएगा आपका MO के, ये चीज याद रखिएगा। यानी इतनी दूरी हम प्रकार में भर लेंगे और यहां से रखकर ऐसे चाप लगा देंगे जिससे हमें दोनों क्या मिल जाएंगे, नाभियां मिल जाएंगी। और जब नाभियां मिल गई हैं तो मान लीजिए हमें पी कोई बिंदु दिया हुआ है, पी ठीक है, यहाँ पर कोई बिंदु पी दिया हुआ है और पी से हमें स्पर्श रेखा खींचना है, यहाँ ये कोई बिंदु पी, इससे हमें स्पर्श रेखा अगर हमें खींचना है तो हम करेंगे क्या कि एक यहां से यहां को मिला देंगे, ठीक है, इसे मिलाकर हम ऐसे आगे बढ़ जाएंगे और यहां से इस पी को मिला देंगे और फिर ऐसे आगे बढ़ जाएंगे। स्पर्श रेखा खींचना है तो हम करते क्या है कि जो ये एंगल बन रहा है इसका हम अर्धक कर लेंगे। तो अर्धक करने के लिए हम एक तरीका होता है अर्धक करने का, मान लीजिए कि कोई कोण दिया हुआ है, इसका हमें अर्धक करना है, तो हम करते क्या है कि यहां से कोई दूरी ले लेंगे, ये करके कोई एक एंगल दिया हुआ है, इसका हमें अर्धक करना है, तो हम यहाँ पर प्रकार के नोक रखकर एक यहाँ पर चाप लिए और यहाँ पर चाप लगा लिए। अब यहाँ से या सीधे सीधे इस तरीके से कर दीजिए, जैसे आपको एंगल दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर रखकर एक चाप ये लगाइए, यहाँ पर रखकर दूसरा चाप लगाइए और ये इसका अर्धक हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम यहाँ करेंगे, यहाँ पर आप एक चाप लिए और यहाँ रखकर यहाँ पर लिए और ये एंगल आप ऐसे मिला दीजिए, तो ये जो रेखा होगी आपकी वो आपकी पेपर स्पर्श रेखा होगी। अब जब बात हम अभिलंब की करते हैं तो अभिलंब के लिए क्या करेंगे, यहाँ तो हम स्पर्श रेखा कह दिए हैं, तो चलिए कोई बिंदु होगा, मान लीजिए कह दिया कि चलिए कोई बिंदु है पी, यहाँ पर दिया होगा, इसे पी ना मानकर यस मान लेते हैं, पी ना मानकर यस मान लेते हैं क्योंकि हमने पी यहाँ पर मान लिया है। अब मान लीजिए हमें कोई बिंदु दिया है जेड, ठीक है, और जेड पर कह रहा है कि अभिलंब खींचे, एक स्पर्श हमने बताया था कि एक स्पर्श रेखा होती है, एक अभिलंब होता है, तो मान लीजिए जेड पर हमें स्पर्श अभिलंब खींचना है, तब क्या करेंगे, ये बढ़ा देंगे जिस तरीके से इधर के हैं, मान लीजिए ये चाहे जेड इधर दे दे चाहे जेड इधर दे दे, ये समझ लीजिए अलग प्रक्रिया है, इसके लिए हम अलग बना कर आपको हम बता दे रहे हैं, उसमें नहीं बताएंगे, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। आइए हम इधर देख लेते हैं, अभी हम हमें खींचना है, तो सबसे पहले हम दीर्घवृत्त, ठीक है, और उसके बाद मान लीजिए कोई बिंदु है आपका जेड, इस पर हमें अभिलंब खींचना है, हमारे पास दिया क्या रहेगा, एक्सिस दिया रहेगा और जो हमें नाभियां निकालनी हैं वो उसी तरीके से निकलेंगी जैसे हमने यहाँ पर निकाला है, यानी एक नाभि ये होगा एक नाभि ये होगा, ये कैसे होगा, ये दूरी लेकर यहाँ से नाम दे दीजिए पी एम Q, N, O और M डैश, N डैश, ठीक है, तो ये दूरी
जो ये यहाँ पर हम प्रकार रखेंगे और दूरी कितना लेंगे, प्रकार का मुख्य नापा जाएगा वो इस दूरी के बराबर, जैसा कि हमने यहाँ पर पहले ही बता दिया है। और इस तरीके से जब हम करेंगे तो दोनों नाभियाँ हमें प्राप्त हो जाएंगी। अब नाभि प्राप्त हो गई, अब करेंगे क्या, अब हम खींचने के लिए यहाँ से इसे मिलाएं, सीधा आगे बढ़ा दिए, ठीक है, जड़ के लिए, और यहाँ से इसे मिलाएं और सीधा आगे बढ़ा दिए, ठीक है। अब अभिलंब खींचना है, अगर हमें स्पर्शी खींचना होता तो इनके और इनके बीच के कोण का अर्धक ले लेते, लेकिन अभिलंब खींचना है तो इन दोनों को, इन दोनों के बीच के कोण का अर्धक लेंगे, और इसका अर्धक क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से रखकर ये कर दिया, यहाँ से रखकर ये कर दिया, और ये आपका अभिलंब हो गया 90 डिग्री, ठीक है। तो ये आपका अभिलंब हो गया, ये आपका स्पर्श रेखा हो गया, और ये आपका दीर्घवृत्त हो गया। इस तरीके से 3 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। और रही बात रचना की, अब ये 90 डिग्री के एक बिंदु पर बनाए, लेकिन हम इसे तो ये आपका नॉर्मल बन गया, लेकिन ये एक बिंदु है ना, इस बिंदु का नॉर्मल बनाए, इसी इसे और क्लियर करने के लिए, अगर ये स्पर्श रेखा मान लीजिए इस पर है कोई, उस पर 90 डिग्री एकदम क्लियर आपको कर देगा कि हाँ एक रेखा है, उस पर 90 डिग्री का ये होता है आपका अभिलंब। आप यहाँ भी खींच सकते हैं, यहाँ आपने इस लाइन का और इस लाइन का अर्धक किया है तो आपका स्पर्श रेखा बन गया। अगर यही चीज अगर आप बाहर वाले का अर्धक कर देते तो आपका इस पर अभिलंब बन जाता, मान लीजिए ये है आपका, ठीक है, ये एंगल है और इस एंगल का हमने अर्धक कर दिया, तो जब ये खींचा जाएगा तो ये आपका देखिए स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री का कोण बन गया, ये अभिलंब हो गया यहाँ भी। इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन आएगा वो सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर पेपर था आपका, ये 12 नंबर के क्वेश्चन थे और इसमें पूछा गया था कि आयताकार विधि द्वारा दीर्घवृत्त की रचना कीजिए, तो आयताकार विधि द्वारा दीर्घवृत्त की रचना ऐसे होगी, हमने केवल 2 पार्ट के हैं, आप बाकी इसके भी करेंगे इस तरीके से, यहाँ से भी मिलाएंगे आप इसे और यहाँ से भी मिलाएंगे आप इसे, फिर खींचेंगे जिस तरीके से ये क्या उसी तरीके से ये भी होगा, तब जाकर आपका कंप्लीट होगा। और उसके बाद कह रहा है कि जिसके दीर्घ हस्त तथा लघु हस्त क्रमशः 10 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, तो हमने दिखा दिया कि 10 और ये 6 हैं, उसके बाद हमने आयताकार विशेष की रचना की और कई विधियों से दीर्घवृत्त की रचना होती है। फिर कह रहा है कि इसकी परिधि पर किसी बिंदु के ऊपर एक स्पर्श रेखा खींचे, तो हमने क्यों ना मानकर हमने यश मान लिया और यश पर से स्पर्श रेखा खींच दिया, लेकिन इसमें अभिलंब के बारे में नहीं लिया गया था, तो अभिलंब हम अपनी तरफ से बता दिए कि अगर मान लीजिए स्पर्श रेखा के बजाय अभिलंब क्वेश्चन में आता है तो आप अभिलंब कैसे खींचेंगे। प्रोसेस वही है, जहां आप अंदर वाले का अर्धक करते थे तब आपको स्पर्श रेखा मिल जाता था, वहीं आप इन्हीं दो लाइनों के बाहर का अर्धक कर दीजिए, कोणों का अर्धक कर दीजिए, तो आपको अभिलंब प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से 12 नंबर का क्वेश्चन आता है और इसमें करना कुछ नहीं रहता, बस इतना रहता है और आप रचना लिखते हैं, रचना में वही लिखेंगे जैसे जैसे प्रक्रिया हमने की है वैसे आप रचना में लिखेंगे कि सर्वप्रथम हमने दोनों अक्षों को खींचा और उसके बाद हमने नाभिलंब नाभिलंब ओ हाँ नाभिलंब पर नाभि पता किया कि नाभियां क्या क्या है, और नाभियां पता करने के पहले हमने आयताकार विशेष दीर्घवृत्त बनाया, फिर नाभियां पता की, और नाभियां जब पता चल गई तो उनसे हमने जिस बिंदु पर हमें स्पर्श रेखा खींचना था या अभिलंब खींचना था उन्हें मिलाया, और दोनों नाभियों से निकलने वाली रेखाएं जहां एक दूसरे को काटती हैं उनके दो, अगर इस साइड के अंदर साइड का कोण का जब अर्धक करेंगे तो हमें स्पर्श रेखा मिलेगा, और उसके बाहर वाले कोण का अर्धक करेंगे तो हमें अभिलंब प्राप्त होगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन समाप्त हुआ, धन्यवाद।